हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित है। ये हमारे पास वर्नी कंपनी का ब्लूटूथ है। इसका वन साइड का बंद है और इसको हमें रिपेयर करना है। सबसे पहले हम इसका वर्नी कंपनी का जो ब्लूटूथ है उसको हम पहले अपने दोनों कान में डालेंगे और चेक करेंगे कौन सा बंद है। वो ये साइड का बंद है। हम इस साइड को सबसे पहले ओपन करेंगे। अभी चलो स्क्रू खोल के इसको ओपन करेंगे। स्क्रू खोलने के बाद हम इसको फिर ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसका इसको बहुत स्लोली ओपन करेंगे, ध्यान से, कहीं इसका सर्किट ख़राब ना हो जाए। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इसका जो वायर एकदम प्रॉपर जॉइंट है। फ्रेंड्स, अब हम इसको स्पीकर इसका चेक करेंगे, स्पीकर इसका सही ही बंद है। इसको अभी हम खोलेंगे। पहले ये कटर है, कटर से इसे खोलेंगे। ये हमने कटर इसको खोल दिया है। इसके स्पीकर भी हम चेक करते हैं, इसका स्पीकर सही है कि बंद है। ये हमने इसका स्पीकर अलग कर लिया है। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, ये मैंने खुद ने बनाया है, इसके बैटरी से बनाया है। इसको चेक करने का, लाइट इसमें जल रही है, इसका मतलब ये चालू है, ये चालू है स्पीकर। इसके वायर में ही कहीं प्रॉब्लम है। इसका हम लॉक निकाल देते हैं जिससे अटके रहता है, और इसके वायर को थोड़ा खींचेंगे। जो वायर देखो डैमेज दिखा रही है, ऐसा बाजू सिकुड़ जा रहा है, इससे इसका मतलब ये वायर ख़राब है। इसको हम निकाल देते हैं, नहीं तो इसका ये टूट जाएगा, तो हमें फिर इसमें जम्फर मारना पड़ेगा। अभी हम इसको खींच के निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ से इसका वायर अंदर से ब्रेक था, हमने उसे वहाँ से खींच के निकाल लिया है। अभी हम इसे सोल्डर मशीन के थ्रू इसका वायर को छील के निकाल दिए। अब कटर लेके इसका वायर हम काट देंगे। मालूम पड़ गया हमको यहाँ से ख़राब है, यहाँ से हम काट के निकाल दिए इसको, और इसको वापस हम छील के इसका वायर निकाल लेंगे। चेक कर लेंगे वायर है प्रॉपर, निकला वायर। हाँ फ्रेंड्स, इसका वायर निकल गया हुआ है प्रॉपर। अब इसे सोल्डिंग पेस्ट से और सोल्डिंग वायर लगा के इसमें सोल्डिंग कर दिए इसके वायर में थोड़ा थोड़ा। अब ये स्पीकर को हम वापस अंदर डिब्बे में डाल के इसके ढक्कन में हम इसको एकदम प्रॉपर पैक कर दिए। इसको हम बंद कर देते हैं। इसको हम चेक कर लिए कि लेफ्ट साइड का है ये। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये हम बंद करके इस पर फेविक्विक लगा देते हैं। अभी फ्रेंड से बंद हो चुका है, ये बंद हो चुका है। अब हम इससे फेविक्विक लगा देंगे कि ये निकले ना। ये हमने इसे फेविक्विक लगा दिया पूरा कि ये निकलेगा नहीं अभी इससे। एक्स्ट्रा फेविक्विक हम अपने उंगली से निकाल दे रहे हैं इस पे का, और इसके ऊपर जो रबड़ था वो हम रबड़ को उसको फिटिंग कर देते हैं। इसका रबड़ भी प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम इसका लॉक लगा देंगे जिससे अटका हुआ था। एक कटर की मशीन से, कटर के द्वारा हम इसे लॉक लगा देते हैं इसका। और जो इसके वायर्स हमने ब्रेक किए हुए रखे थे उसको हम वापस रीजॉइंट मारेंगे इसके अंदर। फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा वायर्स थे हमने उसको काट के अलग कर दिया है। दोनों को अलग अलग काट के अलग का वायर अलग किया। ये सोल्डिंग पेस्ट है, इसे लगाने के बाद सोल्डिंग जल्दी होता है। ये हमने दोनों पे सोल्डिंग पेस्ट लगा लिया और हल्के अंदर अभी हम इसको डायरेक्ट सर्किट से ज्वाइन कर देंगे इसके वायर्स। फ्रेंड्स, इसके वायर भी जॉइंट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये हीटिंग ट्यूब ये मार्केट में मिलते हैं, फ्रेंड्स सस्ते में मिलते हैं।
ये लगाने की वजह लगाने के बाद इसके जो वायर है आपस में शॉर्टिंग नहीं होते हैं। और आप इसे हीटिंग ट्यूब को हीट करके वापस पतला कर देंगे जिससे आपस में शॉर्टिंग ना हो। ये हमने इसको हीट कर दिया, ये एकदम प्रॉपर सिकुड़ गया है। अब हम इसे वापस इसमें डब्बे में जैसे खोले थे हमने वैसे इसको इजीली आराम से पैक कर देंगे। फ्रेंड्स इसका ध्यान रखना कि इसका जो सर्किट है चालू ना करे ये टाइम पे, ना ख़राब भी हो सकता है। इसको हमें आराम से एकदम पैक कर देना है। ये पैक हो गया है फ्रेंड्स और हम इसका स्क्रू लगा देते हैं।